विकल्प क्या है? विकल्प जो बाबा की श्रीमत से परे हटके जो भी संकल्प है वो विकल्प है। विकल्प सामान्यतः उसी को ही कहा जाता है ऐसे नहीं तो ऐसे का अल्टरनेट, उसकी जगह पर कोई दूसरा रास्ता लेना। और बाबा कहते मेरी श्री मत से अलग कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई रास्ता ना आए मतलब विकल्प ही आपके पास ना आए उसकी युक्ति क्या है? आपको विकल्प ही ना आए, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करें। क्योंकि विकल्प आता कब है? जहां हमने देह समझा, देह समझने के कारण अटैचमेंट या डिटैचमेंट के कारण क्या आता है? विकल्प, या तो अटैचमेंट होगा या डिटैचमेंट। आत्मा समझने पर दोनों स्टेज एक साथ होती हैं, आप अटैच भी होते हैं और डिटैच भी होते हैं, परंतु बॉडी के आते एक होता है, या तो अटैचमेंट होगा या डिटैचमेंट। बॉडी आने के बाद शरीर समझने से क्या होगा? या तो अटैच हो जाएंगे और या डिटैच, दोनों नहीं रह सकते, दोनों एक टाइम बॉडी कॉन्शियस में नहीं रह सकते। जिसको आपने समझा अपना उसके साथ हो जाएंगे अटैच, जिसको समझा गैर उससे हो जाएंगे डिटैच, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वो केवल और केवल आत्म अभिमानी अवस्था में हो सकता, केवल और केवल, क्योंकि आत्मा समझने से कोई भी हद नहीं आती। आत्मा समझने से हम एकदम बेहद हो जाते हैं, फिर सब हमारे लिए बराबर है। क्योंकि देह समझने पर अपना पराया आता है, परंतु आत्मा समझने पर कोई भी अपना और पराया का अंतर नहीं रहता। क्योंकि बाबा बेहद का इसीलिए है, उसके लिए किसी भी आत्मा के प्रति अटैचमेंट नहीं है, किसी भी आत्मा के प्रति डिटैचमेंट नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के तन में आने के बाद भी ब्रह्मा बाबा से कोई विशेष अटैचमेंट नहीं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हुए, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन का आधार लेकर गुलजार दादी के तन में आते हुए भी देह से कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट होती तो दादी को कब का ठीक कर देते? अटैचमेंट बिल्कुल नहीं। और किसी भी गरीब से गरीब कैसी भी आत्मा के प्रति डिटैचमेंट भी नहीं कि उसको मैंने ज्ञान नहीं सुना। हर आत्मा को, हर वर्ग की आत्मा को अपने अपने रोल के मुताबिक आकर ज्ञान लेना, और सारी आत्माओं को चाहे वो अजामिल जैसी पापी हैं कैसी भी हैं, उन सब आत्माओं को, लास्ट वाली आत्मा को भी घर का रास्ता दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते। ये वंडरफुल बेहद है, ना केवल मनुष्य आत्माओं को, पशु पक्षी जीव जंतु सर्व आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त परमपिता परमात्मा बनते हैं। उनका कैसे करते होंगे? जीव जंतु की आत्माएं पशु पक्षियों का कल्याण कैसे करते होंगे? हम आत्माओं को आकर ट्रेनिंग देते, बच्चे वो तो अपने लिए योग तपस्या कर नहीं सकते, तुमने एक एक आत्मा के प्रति पवित्र संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प अपने में जागृत करना है। क्योंकि आपका उनके प्रति पवित्र दृष्टि
उनके प्रति श्रेष्ठ दृष्टि आपको श्रेष्ठ देने के लिए सतयुग में आएंगे। यदि अभी हमने पशु पक्षी जीव जंतुओं छोटे से छोटे कोई भी आत्मा के प्रति घृणा की दृष्टि भय की दृष्टि या उसको भयभीत करने का संकल्प रखा तो वो भी हमें क्या करेंगे? ना भयभीत होना है ना भय देना है, उनके प्रति भी एकदम एकदम पवित्र श्रेष्ठ संकल्प हो, तभी वो सत्युग में आपको आएंगे। उस संकल्प से उस प्यार से आपसे व्यवहार करने के लिए, क्योंकि अब उनके प्रति आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा तो आपको मिलेगा ना। तो उनको भी वो तो तपस्या कर नहीं सकते, ये तपस्या भी आपने करनी है। उनको भी हर एक दुनिया के एक एक जीव छोटे से छोटे आत्मा के प्रति आपका दिल खुला बड़ा स्नेह सम्मान और सहयोग से भरा। फिर तीसरा रह जाता है प्रकृति। तीसरा क्या रहता है? प्रकृति का एक एक तत्व एक एक कण जरा जरा कहीं भी आपके प्रति आपका उनके प्रति व्यवहार दृष्टि अपवित्र ना अशुद्ध ना, उनके प्रति आपकी शुद्ध दृष्टि उनके प्रति आपका शुद्ध व्यवहार उनको आपके प्रति शुद्ध व्यवहार करने का निमित्त बनाएंगे। प्रकृति की जो सेवा करेंगे प्रकृति उनकी सेवा, तो हमें अब बेहद की दृष्टि रखेंगे तो बेहद में जाए। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है बेहद, पता नहीं क्या होता, वो देह की दृष्टि से देखते, देह की दृष्टि से देखते कि बेहद माना लाखों सूर्य लाखों सौर परिवार लाखों सौर मंडल कितना बड़ा आकाश गंगाएं कितना कितना है ये क्या जानते हैं, ये क्या जानते हैं। बेहद माना इतना सारा ज्ञान उनको देना चाहिए, केवल एक पृथ्वी के बारे में बताते हैं, बाकी तो किसी ग्रह के बारे में बताया नहीं जाता। बाबा ने कहा बच्चे तो अपने आप को तो पहचानो, जब तुम अपने को पहचानेंगे अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे तो आप बेहद के बाप को पहचानेंगे। जब आप बेहद के बाप को पहचानेंगे तब तो तुम बेहद के कल्याणकारी बन सके। बेहद का बात कहते बच्चे प्रत्येक एक छोटे से छोटा एलिमेंट भी छोटे से छोटा कण आत्मा मत परमाणु भी ड्रामा में एक्यूरेट फिक्स है, एक्यूरेट फिक्स है। हर छोटे से छोटे कण को 5,000 साल बाद अपनी सीट पर होना है, वो चाहे इस पृथ्वी पर है वो चाहे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी है, कहीं भी है। ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो सारा वर्ल्ड 5,000 साल का, सारा ब्रह्मांड 5,000 साल बाद हूबहू एज इट इज रिपीट होता है। पृथ्वी की जो तीसरी गति है, क्योंकि आज तक दुनिया वाले दो ही गति पढ़ते आए, पृथ्वी की तीसरी गति उनको समझ में आ जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365/1/4 दिन में एक चक्कर लगाते लगाते दूसरी तरीके से 5,000 साल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती,
तो जितने भी ग्रह उपग्रह कहीं भी हैं, वो ठीक जहां इस सेकंड है, अगले कल्प भी उसी सेकंड वही होंगे, वही होंगे। हर कल्प में सभी ग्रह उपग्रह या जितने भी क्या गंगाएं वगैरह है, जहां भी हमें देखने को आती हैं दूरबीन के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, अपना जो दूरबीन से देखते हैं दूर दूर कितने ग्रह कहाँ हैं, वो सारे के सारे वहीं ही देखेंगे, और जो लिख रहे हैं वही लिखेंगे, जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही प्रश्न पूछेंगे। पहली बार तो नहीं पूछ रहे हैं, पहली बार तो वो प्रश्न नहीं पूछ रहे कि हद क्या है और बेहद क्या है, हद क्या है और बेहद क्या है। तो जब ये समझ में आ जाए और ये समझ में आ उन्हें सकता है, जब वो अपनी बेहद की स्टेज में आएंगे, अपने आप को जब आत्मा समझेंगे और परमात्मा समझेंगे और वर्ल्ड ड्रामा को समझेंगे, ये तीन बातें जब समझ में आएंगी तब वो बेहद में आ सकते, बेहद को समझ सकते कि सारा का सारा ब्रह्मांड एक्यूरेट चलता है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। बेहद का पिता एक ही है जिसे परम आत्मा कहते हैं, जिसे परम पिता कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, जिसे ज्योति बिंदु कहते हैं, क्योंकि वही केवल बेहद का कल्याण करने का संकल्प रखता है, वही आकर हमें बेहद का कल्याण करना सिखाता है। हद है देह और बेहद है आत्मा। आत्मिक ज्ञान जानना मैं आत्मा हूं ये कोई बात नहीं है, उसका अनुभवी बनते जाएंगे, जितना अनुभवी होते जाएंगे उतना बेहद का अनुभव कर सकेंगे, बेहद के सुख को समझ सकेंगे। ओम शांति।